खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिसोरा सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर नगर की विद्युत व्यवस्था बांसबल्ली के भरोसे, और बात होगी गड्ढों में खो गई सीतापुर की वीआईपी सड़क, जोखिम उठाकर गुजरते मुसाफिर। फिर बात करेंगे सीतापुर में जीएसटी की छापेमारी से मचा हड़कंप, घंटों चली जांच पड़ताल। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती पर सपा ने किया अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के गांव में रात भर चहलकदमी करता रहा बाघ, फैली दहशत। सीतापुर के ग्राम प्रधान को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीतापुर में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा के काम की इलाके में हो रही सराहना। लखनऊ मंडल की कुश्ती प्रतियोगिता में सीतापुर जिला बना सिरमौर। सड़कों पर गोवंश छोड़ने वालों पर डीएम सख्त, अब होगी कड़ी कार्रवाई। सहकारी समिति के चुनाव में भाजपा एमएलए की दबंगई का वीडियो वायरल। हरदोई में ट्रेन ब्लास्ट कराने की कोशिश से रेल विभाग में मचा हड़कंप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया अयोध्या में जमीनों की लूट का आरोप। सीतापुर नगर में सड़कों का हाल बहुत बुरा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क गुम है, कह पाना मुश्किल है। हम बात बहुगुड़ा चौराहे से पीएसी होते हुए लाल कुर्ती जाने वाली सड़क की कर रहे हैं। देखा जाए तो सड़क बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एटीसी पीटीसी 27वीं वाहनी और 11वीं वाहनी पीएसी से लेकर केंद्रीय शस्त्र भंडार डीएफओ कार्यालय तक तमाम पीएसी के अनुभाग इसी रोड पर मौजूद है। इन सभी में कार्यरत एडीजी सेनानायक रैंक के अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सभी का इसी रोड से ही आवागमन रहता है। इसके अलावा लाल कुर्ती की ओर से हर दिन हजारों बच्चे शहर के विभिन्न स्कूलों को आते जाते हैं। इस टूटी सड़क का एक हिस्सा बेहद खतरनाक बना है। सेनानायक द्वितीय वाहनी पीएसी आवास से थोड़ा और आगे इसी टूटी सड़क से सटा बड़ा सा तालाब है। कई बार ई रिक्शा और बाइक सवार इसमें गिर चुके हैं। शुक्र है अब तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, वरना गड्ढों में हिचकोले खाता वाहन कब इस तालाब में पलट जाए राम भरोसे है। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। आपने चिराग तले अंधेरा वाली कहावत जरूर सुनी होगी। आइए आपको सीतापुर शहर की विद्युत व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी ही खबर से रूबरू कराते हैं जो इस कहावत को चरितार्थ कर रही है। दरअसल शहर के मोहल्ला तरीनपुर के एक हिस्से में बिजली के पोल नहीं बल्कि बांस और बल्ली के सारे विद्युत आपूर्ति हो रही है। आंधी और पानी में बांस बल्ली जर्जर हो चुके हैं, इसके चलते अक्सर तार टूटते रहते हैं। वहीं बल्लियों पर तारों का मकड़जार कोई फॉल्ट होने की दशा में विद्युत कर्मियों का सख्त इम्तिहान लेता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह समस्या को लेकर अनेकों बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है। एक बार फिर बिजली विभाग के अफसरों से गुहार लगाई गई है। यह पत्र कौशल यादव, मयंक तिवारी, सुनील कुमार, सुशील गौतम, रोहित गुप्ता और नीरज कश्यप सहित तमाम विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा दिया गया है। सीतापुर में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह राजपूत ने कमलापुर उपकेंद्र के गांवों में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बड़े बकायेदारों से मिलकर बिल जमा करने की अपील की है। इस मौके पर 5 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। इस दौरान जेई वीरेंद्र यादव, TZ2 अनूप सिंह और लाइमैन प्रहलाद सिंह, हकीक खान, रामचंद, प्रदीप कुमार, नीलू दीक्षित और फूलचंद मौजूद रहे। सीतापुर में संक्रामक रोगों के कहर से मरीज ही नहीं, खुद जिला अस्पताल भी कराह रहा है। यहाँ पर आने वाले मरीजों की भारी संख्या का हाल यह है कि एक मरीज डॉक्टर के सामने से हट नहीं पाता कि अपनी बारी की प्रतीक्षा में लगी मरीजों की कतार और लंबी हो जाती है। अस्पताल के वार्डों की बात करें तो इनमें 80% से अधिक मरीज वायरल बुखार और मलेरिया और तथा टाइफाइड से पीड़ित होकर भर्ती हुए हैं।
सीतापुर के एक व्यापारिक प्रतिष्ठान पर SGST विभाग और SIB की छापेमारी से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। टीम ने अपनी कार्रवाई करते हुए शहर के ग्रास फार्म स्थित लक्ष्मी बीज भंडार में जांच पड़ताल की, रिटर्न में गड़बड़ी की आशंका के चलते हुई इस छापेमारी के दौरान तीन टीमें 3 घंटे से अधिक समय तक कारोबारी नीलेश वैस की लक्ष्मी बीज भंडार में अभिलेखों की जांच पड़ताल करती रही। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर अभी कोई अधिकृत सूचना नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि छापेमारी बड़ी टैक्स चोरी की आशंका में की गई है। इस जांच टीम में ज्वाइंट कमिश्नर विजय पाल सिंह, डिप्टी कमिश्नर शशिधर शाही और CTO पुष्पा वर्मा समेत GST के कई अधिकारी मौजूद रहे। इससे संबंधित खबर विस्तार से देखने के लिए आप आइंडिया देख सकते हैं। वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा के एक कार्य की पूरे महमूदाबाद क्षेत्र में सराहना हो रही है। दरअसल महमूदाबाद के पोखरा कला स्थित राम अकबाल शिवरानी देवी महाविद्यालय में नेत्र शिविर आयोजित किया गया। सीतापुर आंख अस्पताल के सहयोग से आयोजित इस शिविर में क्षेत्र के 200 से अधिक लोगों ने निःशुल्क नेत्र परीक्षण कराया। इस मौके पर डॉक्टर दिव्या आकांक्षा, बिजेन सिंह और शहनवाज हुसैन ने नेत्र परीक्षण किया। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा तथा उत्कर्ष वर्मा ने इस कैंप में आए सभी लोगों को जलपान कराने के साथ ही महिलाओं को साड़ी सूट भी प्रदान किए, उनके साथ उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सीतापुर के रामपुर मथुरा पहुंचे सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने विकास कार्यों में जमकर खेल किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता हाथ में आने पर बदलाव लाया जाएगा। निर्वाचित होने के बाद पहली बार रामपुर मथुरा पहुंचे कांग्रेस सांसद के साथ वरिष्ठ सपा नेता और सेवता के पूर्व विधायक महन सिंह जीन बाबू भी मौजूद रहे। इस दौरान मां शारदे विद्या मंदिर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने दोनों नेताओं का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सुशील त्रिपाठी, शिव बालक यादव, अंबुज वाजपेयी, बांके लाल अवस्थी, केशवधर, राममूर्ति यादव, ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार, अमित यादव, प्रदीप निषाद और रजित राम शुक्ला मौजूद रहे। अब्बास सीतापुर में बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, सिहार के आतंक की। सीतापुर के मोहली इलाके में बाघ और दूसरे जंगली जानवरों की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। वन विभाग तमाम दावों के बावजूद सांप गुजर जाने पर लाठी पटकने जैसी कहावत तक सीमित नजर आ रहा है। मोहली इलाके में खौफ का ऐसा आलम है कि क्षेत्र में मौजूद बाघों की संख्या को लेकर चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो 5 से अधिक संख्या में बाघ इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। इसी बीच ग्राम बरातपुर से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों की माने तो यहां पर चीता अथवा तेंदुए की आमद हुई है। स्थानीय लोग पक्षियों के फोटो को गूगल करने के बाद ऐसा दावा कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग अभी इस बारे में मौन है। मोहली इलाके के पीतमपुर और उससे सटे गांवों में बाघ की मौजूदगी बनी हुई। बीती रात भी लोगों ने माइनर के किनारे बाघ देखने का दावा किया है। ऐसा एक मामला क्षेत्र के करौंदिया गांव से आया है। दावा किया जा रहा है बीती रात एक बाघ पूरे गांव में विचरण करता रहा। सुबह ग्रामीणों ने पक्षी के फोटो लेकर वन विभाग को सूचित किए। इस पर वन दरोगा संतराम अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले तेज बारिश आने के कारण पगचिन्ह धुल गए। हालांकि जो भी नजर आया उसे देखकर अनऑफिशियल रूप में तेंदुआ होने की संभावना जताई गई है। करौंदिया पहुंची भाजपा नेता मनोज मिश्रा ने कहा कि पूरे इलाके के लिए काफी बुरा वक्त है। अगर वन विभाग ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। उन्होंने हाथी के जरिए कॉम्बिंग किए जाने की मांग की है। सीतापुर जिले में जंगली जानवर का खौफ का यह हाल है कि सिदौली इलाके के सिंहपुर में ग्रामीणों ने भेड़िया समझकर सियार को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कहा जा रहा सियार एक घर में बंधी बकरी पर हमला कर रहा था। इस बीच ग्रामीण जमा हुए। 11 सितंबर की देर रात की इस घटना को लेकर घंटों अफरा तफरी मची रही। ऐसी ही एक घटना लहरपुर थाना इलाके के नबी नगर में हुई। यहां एक जंगली जानवर भरी बाजार एक मिठाई की दुकान में घुस गया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इससे पहले जंगली जानवर ने 11 सितंबर की देर रात केसरीगंज में एक महंत की बेटी पर हमला किया, जिसमें बालिका घायल हुई। पीड़िता की मां ने जानवर को भेड़िया बताया, जबकि मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम उसे सियार बता रही है। सीतापुर के थाना थानगांव इलाके में चकदहा की ग्रामीण बाजार से बाइक चोरी होने की जानकारी मिली है। इसे लेकर बाइक स्वामी राम नरेश पुत्र पुत्तीलाल निवासी बरियापुर ने थाने में तहरीर दी है। सीतापुर के थाना इमरियापुर सुल्तानपुर क्षेत्र में एक सराफा दुकान का शटर तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया है, लेकिन चोर असफल रहे। इसकी जानकारी होते ही सनसनी फैल गई। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। सीतापुर के मुंशीगंज निवासी आशीष नौवा महमूदपुर में मुस्कान ज्वेलर्स के नाम से सराफा दुकान चलाते हैं। उन्होंने इस मामले की सूचना पुलिस को दी।
मछरेटा ब्लॉक के मधुआपुर में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और सिउ नाडर फाउंडेशन टीम की प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई। इसमें फाउंडेशन टीम में ब्लॉक समन्वयक आशुतोष शुक्ला व अन्य सदस्य शामिल रहे। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बाराबंकी से आए प्रशिक्षकों ने जानकारी दी। बताया गया कि मधुआपुर ग्राम सभा में 7 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इस मौके पर प्रशिक्षक समूह का नेतृत्व कर रही मंजू पांडे को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षुओं को साक्षरता प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। अमीना माधुरी, रूपा रानी, शीला देवी, कौशल्या देवी, रोहिणी कश्यप, अजय पाल, प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप और पंचायत सहायक पावनेश मौजूद रहे। सीतापुर में महमूदाबाद की ग्राम सभा रमद्वारी द्वितीय के प्रधान सत्येंद्र कुमार मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसे लेकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी की सहमत से उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा ने मनोनयन पत्र जारी किया। सिधौली सीएससी पर कार्यरत एम्बुलेंस चालक बीरेंद्र वर्मा के आवास पर इन्वर्टर में आग लग गई। इसकी जानकारी मिलते ही फायर दस्ता प्रभारी विजय बहादुर और रामलखन वर्मा दलबल सहित मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। इस आग में कुछ घरेलू सामान जल जाने की सूचना मिली है। अब बात राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लापरवाही पर। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग सीतापुर के कमलापुर कस्बे से होकर गुजरता है। यहाँ के नहर चौराहे पर पहले एक कट बनाया गया था, अब दूसरा कट आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज के सामने बना दिया गया है, लेकिन कट पर कोई संकेत या चिन्ह, रेडियम बोर्ड वगैरह नहीं लगाया गया। वहीं नहर चौराहे के बोर्ड काफी पुराने होने के कारण अपनी चमक खो चुके हैं। इससे किसी भी समय कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने दोनों कटों पर कोई संकेत बोर्ड और इंडिकेटर लगवाए जाने की मांग की है। सपा छात्र सभा के सीतापुर जिला अध्यक्ष शिवम सिंह निष्क्रिय पदाधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले के संगठन का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए निष्क्रिय पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त करके संगठन में रुचि रखने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही निष्क्रिय पदाधिकारियों की सूची प्रदेश नेतृत्व को भेजी जाएगी। हरगांव ब्लॉक पर पीएम आवास योजना ग्रामीण की जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के तमाम प्रधान और बीडीसी सम्मिलित हुए। बीडीओ आत्म प्रकाश रस्तोगी ने योजना की नई नियमावली के बारे में जानकारी दी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, जिला पंचायत सदस्य अमित भार्गव, एडीओ पंचायत वीर सिंह, एडीओ सहकारिता राम निवास राणा और प्रधान दीपक यादव, अंकित सिंह, सिद्धू सिंह, मनोज यादव, विजय पंकज शुक्ला, अंकुल गांधी, धीरेन्द्र सिंह, अवधेश वर्मा, श्याम सुंदर तथा उस्मान खान मौजूद रहे। कसमंडा सीएससी क्षेत्र के कमलापुर में कुछ परिवारों ने टीकाकरण कराने से मना कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा अपनी टीम के साथ उन लोगों के घर पहुंचे और उन्हें टीकाकरण के लाभ बताकर जागरूक किया। इस दौरान डॉक्टर कामरान, अब्दुल हसन, बीपीएम कोहिनूर सिंह, निर्मिला नंदनी और शैलेश मौजूद रहे। सीतापुर की तीर्थ नगरी मिश्रिक में महर्षि दधीच की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर महर्षि आश्रम के महंत देवानंद गिरी के नेतृत्व में सुबह महर्षि का पूजन, वंदन और आरती की गई तथा शाम को तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा और पंडित देवव्रत मिश्रा द्वारा तीर्थ की महाआरती का आयोजन किया गया। इसके बाद भजन संध्या आयोजित की गई। इस दौरान राजस्थान से आए गेला दायमा, हेमराज दायमा, शैलेश रूप नारायण, कपिल दीक्षित, अशोक वाजपेयी, राजीव अवस्थी, श्यामजी मिश्रा, शिवसागर यादव और आलोक तिवारी मौजूद रहे। लहरपुर बीआरसी पर चल रहे शिक्षकों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया है। इस मौके पर बीओ सिमी निगार, प्रशिक्षक अनवर अली, सुरेश कुमार, पुष्पेंद्र मौर्य और संदीप वर्मा ने शिक्षकों को संबोधित किया। इस मौके पर लेखाकार पंकज वर्मा, कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ शुक्ला, प्रतिमा, पवन मित्तल, शिकल वर्मा, राजा राम, नूर सखा, रेखा देवी, राजेश कुमार और मोहम्मद अहमद अंसारी आदि मौजूद रहे। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता जैनेन्द्र जायसवाल ने सीतापुर के जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजा। इसमें उन्होंने सदर तहसील के बंभन पूर्वा निवासी बलिपुत्र द्वारिका पर गाटा संख्या 180 के तालाब और गाटा संख्या 179 के बंजर को पाट कर स्थायी निर्माण कराने का आरोप लगाया है। सिधौली के सिवरा निवासी एक दिव्यांग दंपत किशोरी लाल और उसकी पत्नी आरती देवी ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें पंचायत मित्र पर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है उन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र और आवास के लिए आवेदन किया था। पंचायत मित्र ने धोखे से इन दोनों को फोटो लेकर फर्जीवाड़ा किया है।
कमलापुर स्थित आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने नया कीर्तिमान रच दिया है। प्रधानाचार्य शाकिब जमाल अंसारी और शिक्षकों के दिशा निर्देशन में यहां के कुल 23 विद्यार्थियों ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर 18 पदकों पर कब्जा किया है। यह प्रतियोगिता नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली में आयोजित की गई है। यहाँ के विद्यार्थी क्षमा चौधरी, राधा गौतम, वीनू पाल, कोमल, वैष्णवी मिश्रा, मोहम्मद इरफान, देवेंद्र सिंह, गौरव सिंह, जयप्रकाश और अर्जुन अवस्थी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं खुशी मिश्रा, शिवा उत्कर्ष वर्मा, विक्रम सिंह, ज्ञानू कश्यप और विशाल चौधरी ने सिल्वर मेडल तथा सौम्या यादव और कामिनी ने कांस्य पदक पर कब्जा किया है। प्रधानाचार्य ने बताया सभी 10 गोल्ड मेडलिस्ट विजेताओं का चयन सीतापुर जिले की टीम में किया गया है। मिश्रिक सीओ राजेश यादव के निर्देश पे कोतवाली पुलिस ने एक चोर की चोरी की नकदी सहित दबोच लिया है। पकड़े गए चोर का नाम ज्ञानेंद्र उर्फ देवेश पुत्र रामकुमार निवासी कंडीपारा रामनगर थाना रामपुर मथुरा बताया गया। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 2200 रुपए बरामद करने का दावा किया है। यह सफलता मिश्रिक कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में एसआई नयन सिंह, एसआई प्रशांत सिंह, आरएचओ उमेश रजक तथा शगुन कुमार ने हासिल की। भाजपा के विशेष सदस्यता अभियान को लेकर सिधौली विधायक मनीष रावत ने नरोत्तम नगर उत्तर में डोर टू डोर जाकर लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, सभासद दिग्विजय शुक्ला, भाजपा जिला उपाध्यक्ष करुणा शंकर मिश्रा, पुष्कर गुप्ता, आदित्य नारायण और रंजीत राजपूत मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। श्री गणेश महोत्सव के मौके पर लहरपुर के मोहल्ला ठठेरी टोला और बहटी में विघ्नहर्ता श्री गणेश का पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। अब बात अव्यवस्था की। इन दिनों आधार कार्ड संशोधन कराने को लेकर हर जगह भारी भीड़ उमड़ रही है। सीतापुर के कमलापुर कस्बे में इसे देखते हुए 2 केंद्र बनाए गए। इनमें से एक बीआरसी में खोला गया था जबकि दूसरा कमलापुर डाकघर में काम कर रहा था। हाल देखिए, दोनों केंद्रों की मशीनें खराब होने के कारण लोगों को तहसील और जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ रही है। बीओ सुरेंद्रनाथ प्रजापत के मुताबिक बीआरसी पर लगी मशीन करीब 1 हफ्ते से खराब है, जिसे सही कराने के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं लोगों के मुताबिक डाकघर की मशीन पिछले 15 दिनों से खराब पड़ी है। महमूदाबाद में 18वां भगवान गणेश पूजन महोत्सव आयोजित किया गया। इसके सांस्कृतिक पंडाल में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर श्रद्धालु दांतों तली उंगली दबाने को मजबूर हो गए। इस दौरान प्रकाश इंटर कॉलेज के अर्पित, अभिजीत, पुष्पेंद्र, ओमजी, अमन, हिमांशु, दिव्यांश, अभिनव, अंकुर, अतुल, पंकज और राहुल ने देशभक्ति का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं सेठ राम गुलाम पटेल कॉलेज के शिव मिश्रा, नैमिश वर्मा, शिवम पटेल, जय प्रकाश गुप्ता, प्रांशु वर्मा और अंजुनी आदि ने भजन प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में सेठ एमआर जयपुरिया के पर्व नमन शुभम, आयुष पूर्वी, अर्पित और अंशु ने नशा मुक्ति पर जागरूक किया। इसी तरह से पंडित संतोषी लाल कॉलेज की सहजप्रीत कौर, श्रेया दीक्षित ने संत गोरा कुमार की जीवन कथा प्रस्तुत की। अंत में मुख्य यजमान प्रेमचंद कटियार और अध्यक्ष रितेश रस्तोगी ने भगवान गणेश की महाआरती की। इस मौके पर ओम प्रकाश वर्मा, चंद्रभूषण शुक्ला, भाजपा नेता रमाशंकर वर्मा और पुष्कर वर्मा मौजूद रहे। लहरपुर के छन्नूलाल द्वारिका प्रसाद मंदिर में श्री राधा अष्टमी का आयोजन किया गया। पत्रकार समीर पुरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन आचार्य अखिलेश महाराज ने किया। इस मौके पर मंदिर को काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया था। शाम के समय भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें झांकियों में सबका मन मोह लिया। देर रात भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर राधा रानी का अभिषेक बीरेंद्र पुरी के नेतृत्व में मारुतपुरी, गोलू रस्तोगी, सौरभ पुरी, राघवेंद्र पांडे, सोनूपुरी, विवेकपुरी, विक्कीपुरी और राजपुरी आदि श्रद्धालुओं ने किया। इस मौके पर शैलेंद्रपुरी, राधेश्यामपुरी, लाल बहादुर, विशाल कपूर, राम कैलाश रस्तोगी, मुकेश पुरी, अमित मेहरोत्रा, अनूप कपूर और दिलीप मेहरोत्रा आदि ने विशेष सहयोग दिया। सीतापुर शिक्षा संस्थान के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में चल रहा 5 दिवसीय कैंप तीसरे दिन भी जारी रहा। भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कैंप में तीसरे दिन के पहले सत्र में एएमयू के प्रोफेसर डॉक्टर जफर एहसान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए गणित के सभी तकनीकों की जननी बताया। द्वितीय सत्र को संबोधित करते हुए आईटीआई कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर अभिजीत पाल ने कहा, संख्या के ज्ञान ने मानव सभ्यता के विकास में अद्वितीय योगदान दिया है। संस्थान निदेशक डॉक्टर जगदीश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी विद्यार्थी सतत अभ्यास से गणित में निपुणता प्राप्त कर सकता है। कैंप में
तीसरे दिन सीतापुर के 20 से अधिक विद्यालयों से आए 2 सैकड़ा से अधिक छात्र और छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर संदीप शुक्ला, कुल सचिव मनोज शर्मा, अधिशासी निदेशक डॉक्टर कुंवर अभिषेक सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह, आशीष त्रिपाठी, आलोक मिश्रा, डॉक्टर विजय पांडे, मुबस्सिर अंसारी, डॉक्टर अजय कुमार, रतन सिंह, के तिवारी और अग्रवाल मौर्य मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की साधन सहकारी समिति फूलबेहड़ के चुनाव में श्रीनगर में भाजपा एमएलए मंजू त्यागी की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा है कि भाजपा एमएलए ने संचालक पद के चुनाव को लेकर आरोप यहां से पर्चा छीन लिया और वहां से चली गई। इससे भड़के सिपाहियों ने हंगामा किया। टकराव को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यह पूरा मामला क्या है, इससे विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देख सकते हैं। लखीमपुर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सड़कों पर गौवंश छोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ा रुख दिखाया है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर हुई बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने सड़कों पर गौवंश छोड़ने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि पकड़े गौवंश को छुड़वाने के लिए उसके मालिक को 2000 का जुर्माना भरना होगा। डीएम ने आम लोगों से नालियों पर जाली लगवाने की अपील की है। बैठक में डीएम ने तंबाकू के दुष्प्रभाव बताते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर इसका प्रयोग कर गंदगी फैलाने वालों से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाए। इस बैठक का संचालन ईओ संजय कुमार ने किया। डीएम ने नारा दिया कि स्वच्छता का करे मिलकर सभी पालन, स्वच्छ हो हर घर आंगन। इस बैठक में एडीएम संजय कुमार सिंह, स्वच्छ भारत मिशन ब्रांड एम्बेसडर मधुलिका त्रिपाठी, सभासद राकेश मिश्रा, शमशुल हसन, जे अमरदीप, जितेंद्र वर्मा और बीपीएम विक्रांत वर्मा मौजूद रहे। लखीमपुर के बाघ प्रभावित मोहम्मदी रेंज के मूड़ा 80, इमलिया, अजान, मूड़ा जवाहर, घरथनिया और बांसकवाद गांवों में वन कर्मियों और पशु चिकित्सकों की टीम ने कॉम्बिंग की। इस दौरान भारतीय वन सेवा के ट्रेनिंग अफसर अपूर्व दीक्षित भी मौजूद रहे। वन विभाग ने 11 सितंबर की घटना को लेकर मौके पर 2 पिंजरे रखे और चारों ओर कैमरे लगाए, जिसके जरिए निगरानी की जा रही। डीएफओ संजय विश्वास ने बताया कानपुर चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक डॉक्टर नितेश कटियार अपनी टीम के साथ बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए कॉम्बिंग कर रहे हैं। लखीमपुर के सिंगाही क्षेत्र में सड़कों के हालात बेहद खराब है। सिंगाही से खैरीगढ़ जाने वाली सड़क इस कदर बदहाल है कि मानो सड़क गड्ढों में खो गई है। इसके चलते लगभग हर रोज कोई ना कोई घटना दुर्घटना होती रहती, लेकिन जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। लखीमपुर के ईसानगर में मेडिकल असेसमेंट आयोजित किया गया। इसमें कक्षा 1 से 8 तक में शिक्षा ले रहे 111 बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। यह कैंप बिरसिंहपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। डीसी समय की शिक्षा माला श्रीवास्तव की मौजूदगी तथा ईसानगर बीओ अखिलानंद राय की देखरेख में आयोजित इस कैंप में डॉक्टर अतुल कुमार, डॉक्टर कृतिका रैना ने बच्चों का परीक्षण किया। इस मौके पर फिजियो निखिल आर्या तथा विशेष शिक्षक दीपक उपाध्याय, नरेश गुप्ता, सरोज कुमार, विवेक त्रिपाठी, संजय यादव और अभिषेक सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर की सहकारी गन्ना विकास समिति मैगलगंज की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। चेयरमैन ब्रजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में समिति सचिव अजीत प्रताप सिंह ने समिति की आय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। समिति उपाध्यक्ष यशपाल सिंह और गौरव शुक्ला ने बैठक को संबोधित किया। इसका संचालन SCDI अविनाश चंद तिवारी ने किया। इस दौरान संजय सिंह, अजबापुर चीनी मिल प्रतिनिधि रमेश चौधरी और कुंभी चीनी मिल प्रतिनिधि संदीप शेरावत तथा अन्य समिति संचालक और किसान मौजूद रहे। बीडीओ निघासन जयेश कुमार सिंह के निर्देश पर तथा प्रधान प्रतिनिधि मनोज जायसवाल और सचिव वीरपाल सिंह के प्रयासों से क्षेत्र के लुधौरी सहित अन्य विद्यालयों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। इस दौरान प्रधानाध्यापक हरिनाम प्रसाद और शिक्षक विकास भारती सीमा यादव, आंगनबाड़ी लता मिश्रा और अनीता देवी मौजूद रही। बुधवार की सुबह तेज हवा चलने और बूंदाबांदी ने सीतापुर के तंबौर इलाके की विद्युत व्यवस्था को पलीता लगा दिया है। बुधवार की सुबह 9 बजे से गायब हुई बिजली गुरुवार शाम 5 बजे तक बहाल नहीं हो सकी। इसे लेकर स्थानीय जय अमरीश कुमार ने बताया कई स्थानों पर पेड़ों की डाले मेन लाइन पर गिरने से सप्लाई प्रभावित हुई है। इसे युद्ध स्तर पर सही करने का प्रयास किया जा रहा है। सीतापुर में सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने एक बार फिर सरकारी योजनाओं में घूसखोरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। रेवसा ब्लॉक कार्यालय पर आयोजित पीएम आवास योजना ग्रामीण के सर्वे जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि कोई पात्र छूटना नहीं चाहिए और अपात्र को लाभ दिया तो ब्लॉक रामपुर मथुरा की तरह जिम्मेदार से रिकवरी की जाएगी। विधायक ने बीडीओ विवेक मठ त्रिपाठी को सरकारी योजनाओं में घूस लेने और भ्रमित कर वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने सेवता रेवसा भदमरा
गोविंदपुर और मोहाला आदि ग्राम सभाओं की सूची को जांचने तथा बाढ़ प्रभावितों को मिले मुआवजे के आधार पर आवास का लाभ देने की बात कही है। बैठक में आवास योजना के नए मानकों की जानकारी दी गई। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, रामेंद्र तिवारी और प्रधान संघ अध्यक्ष संजीव मिश्रा सहित तमाम प्रधान और बीडीओ बीडीसी मौजूद रहे। सीतापुर के विद्युत उपभोक्ताओं को सावधान करने वाली खबर है। यहाँ के रामनगर फीडर पर 13 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। भवानीपुर क्षेत्र के एसडीओ हिमांशु पटेल ने बताया, रामनगर फीडर पर बिजली तारों से लग रहे पेड़ों की डाले काटने का काम किया जाएगा। इसके चलते इलिसिया ग्रंट हरदोई रोड के 4 सैकड़ा से अधिक उपभोक्ता प्रभावित होंगे। बिस्वा के एल्पिस ग्लोबल स्कूल में कीर्तमान रचने वाली छात्राओं का भव्य स्वागत किया गया। इन छात्राओं ने प्रयागराज में आयोजित अंडर 19 बालिका खो खो प्रतियोगिता में रनर ट्रॉफी पर कब्जा किया। टीम में शामिल यशस्वी अवस्थी, दिव्यांशी कन्नौजिया, अनुष्का गौर, जलजीत कौर, समृद्धि अवस्थी, स्मृति वर्मा, सुखप्रीत कौर, अदिति वर्मा और असन्या सिंह को विद्यालय निदेशक उमंग राजवंशी ने पुरस्कृत किया तथा क्रीड़ा शिक्षक विशाल मिश्रा, अजीत अवस्थी, दिलशाद अली, नीमा मिश्रा, पीयूष यादव और अंगद मिश्रा के मार्गदर्शन को सराहा। अंत में प्रधानाचार्य दीपक चंद्रा ने सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। लखनऊ मंडल की कुश्ती प्रतियोगिता में सीतापुर ने सभी पहलवानों को धूल चटाकर सिरमौर होने का गौरव प्राप्त किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की इस प्रतियोगिता का आयोजन कमलापुर के आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज में किया गया। इसमें लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर के बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के बालक और बालिका दोनों वर्ग के मेजबान आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते। वहीं 160 अंकों के साथ जनपद सीतापुर की टीम ने ओवरऑल चैंपियन के खिलाफ पर कब्जा किया। 71 अंकों के साथ लखीमपुर खीरी खुद विजेता रहा। इस दौरान प्रधानाचार्य शाकिब जमाल अंसारी, क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे, क्रीड़ा शिक्षक अरविंद पटेल, अनूप सिंह, धीरेन्द्र कश्यप, नवीन मिश्रा और विवेक शुक्ला मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सपा के गठबंधन टूटने को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा अखिलेश यादव पर आरोप लगाए जाने के बाद सपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा नेता आईपी सिंह ने मायावती पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मायावती भगवान बुद्ध जी से डरिए, जिस उम्र के पड़ाव पर आप हैं उस उम्र में किसके लिए झूठ बोल रही हैं। दरअसल मायावती ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हाल ही में एक बुकलेट जारी की है। उसमें सपा के साथ 2 बार गठबंधन होने और टूटने की वजहों का खुलासा किया है। सुल्तानपुर डकैती के मामले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव को लेकर सियासी वार पलटवार थम नहीं रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब सब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनकाउंटर में दोनों ओर से गोली चलती है, लेकिन यहाँ लोग मारे जा रहे हैं और पुलिस को लोग नहीं मरते। लखनऊ में प्रेसवार्ता करते हुए उन्होंने कहा, केवल गरीब को पकड़कर उसका हाथ पैर बांधकर एनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है। कभी रेल को पलटाने की साजिश और कभी अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के बीच हरदोई से आई खबर ने समूचे रेल महकमे को हिलाकर रख दिया है। यहां पर कोलकाता से अमृतसर जा रही दुर्गियाना एक्सप्रेस ट्रेन जिस बिजली खंभे के केबल से टकराई थी, रेलवे को वहां पर किसी के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की आशंका है। कहा जा रहा है कि रेल की सुरक्षा से जुड़े अफसर यह मानकर चल रहे हैं कि दुर्गियाना एक्सप्रेस को बिजली के शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा पर लगातार हमलावर बने हुए। भाजपा की दैनिक घेराबंदी का उनका कार्यक्रम जारी है। अब अयोध्या को लेकर सपा प्रमुख ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अयोध्या में जमीनों की लूट की है, इसमें अधिकारी भी शामिल हैं। गरीबों की जमीन सस्ते दामों पर ली है और फिर सर्किल रेट बढ़ा दिए। उन्होंने कहा, जब हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या को विश्व स्तर का शहर बनाएंगे। कन्नौज के नवाब सिंह यादव कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक नवाब सिंह के भाई नीलू यादव और पीड़ित लड़की की बुआ ने पुलिस की रिमांड में कई अहम राज खोले। उन्होंने बताया, उन दोनों ने मुख्य आरोपी नवाब सिंह को बचाने का भरसक प्रयास किया। नीलू ने भाई को बचाने के लिए लड़की का मेडिकल परीक्षण न कराने और कोर्ट में बयान न देने के एवज में बुआ अंजू तोमर का 4 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया था। पुलिस कस्टडी में पूछताछ के बाद पुलिस नीलू को लेकर उसके पैतृक गांव गई, जहां पर कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पीड़िता की बुआ ने जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के समय कन्नौज के भाजपा जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया का नाम लेकर सबको चौंका दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
कृष्णानंद राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के नाम से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने अपना फैसला दिया है। न्यायमूर्ति ने कहा कि परपोता स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित की श्रेणी में नहीं आता है। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में श्री हरिहर सेवा समिति द्वारा 7 दिवसीय शिशु महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने प्रवचन करते हुए शिव को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी देवता बताया। उन्होंने कहा, शिव का कोई भी बिना किसी विशिष्ट स्वरूप के मात्र एक पत्थर के रूप में भी पूजा कर सकता है। कथा आरंभ होने से पहले भव्य कलश यात्रा आयोजित की गई। जगह जगह शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत करके जलपान कराया गया। आयोजन समिति ने बताया कि यह कथा 18 सितंबर तक चलेगी और इसका समापन भंडारे के साथ किया जाएगा। अपने अदम्य साहस और वीरता के चलते कीर्ति चक्र विजेता शहीद कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह को योगी सरकार ने सम्मानित किया है। देवरिया जिला के अंतर्गत उनके पैतृक गांव बरडीहा दलपत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अब शहीद कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से जाना जाएगा। यह नामकरण समारोह यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, डीएम दिव्या मित्तल और एसपी संकल्प शर्मा की मौजूदगी में संपन्न हुआ। लखनऊ में चुप ताजिए का जुलूस परंपरागत तरीके से निकाला गया। यह नाजिम शाह से शुरू होकर अकबरी गेट, नखास और मसूब नगर होता हुआ रोजा ए काजमैन पहुंचकर खत्म हुआ। जुलूस से पहले इमामबाड़ा नाजिम साहब ने मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास ने मजलिस पढ़ी। अलविदाई जुलूस में भारी संख्या में उमड़े अकीदतमंद अजादारों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को पुरसा पेश दिया। इस दौरान सुरक्षा के काफी कड़े प्रबंध रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।